2020 फाइनली खत्म होने वाला है, लेकिन 2020 के आखिरी टेक क्यू एन ए पर हैं हम। और आज टेक ही लगा कि आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो ट्विटर पे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल उठाए, अगर सॉरी अगर आपका सवाल अभी तक नहीं आया है तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड क्यूरीज सुनने को मिली है इस बार आपकी। तो वेल, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात करें तो अवनीश नायक का सवाल है कि व्हाट शुड बी द न्यू रेजोल्यूशन फॉर रियलमी इन योर वर्ड। रियलमी का न्यू रेजोल्यूशन, सिर्फ एक ही चीज़ मुझे ध्यान में आती है, लॉन्च मोर फोन्स। यही काम वो करते हैं, 2020 के अंदर भी वो एक ज़माने में सबसे ज़्यादा फोन्स लॉन्च कर रहे थे, लग रहा है कि 2020 में वो और ज़्यादा एग्रेसिव होकर और ज़्यादा लॉन्च करेंगे। रियलमी पूरी कोशिश कर रहा है Xiaomi को हराने की, इन माय वर्ड्स। जय मोटवानी भाई का सवाल है कि नो ईयरफोन, नो हेडफोन जैक, नो चार्जर, कस्टमर इज नॉट गेटिंग वैल्यू फॉर मनी डिवाइस एंड व्हाट वर्ड वन प्लस नॉट सक्सेसर विल वन प्लस नाइन योर फ्रेश न्यू डिवाइस। देखो, फ्लैगशिप फोन्स में हेडफोन जैक नहीं आने वाला, ईयरफोन्स भी देखने को नहीं मिलने वाले, चार्जर भी गायब होने वाला है। ये नया नॉर्म होगा 2021 में। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्लैगशिप फोन्स की कहानी होने वाली है। वन प्लस नॉर्ड के सक्सेसर के बारे में बात करें, डेफिनेटली आएगा, मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेगा। वन प्लस नाइन ई के बारे में बात करें, ये वन प्लस नॉर्ड का सक्सेसर तो नहीं, नाइन ई शायद नाइन लाइट नाम बन के आए या किसी और नाम से आए, लेकिन वन प्लस नाइन का जो सस्ता वाला मॉडल होगा ना, 30-35-40 हज़ार रुपये कीमत होगी, स्नैपड्रैगन 865 के साथ ही आएगा। 80 का जो अपग्रेडर होता है ना, उसे हम कह सकते हैं 80 या फिर 80 जैसे आप इसे समझ सकते हैं, ठीक उसी जैसे ही फ़ोन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कम प्राइस के अंदर। बाकी 9 और 9 प्रो तो आने वाले हैं। तो यार, वन प्लस की कहानी थोड़ी अजीब चल रही है, लेकिन हाँ, इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, वन प्लस के इस बार आपको काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, नॉट जस्ट स्मार्टफोन्स, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो यार, मेक श्योर दैट 2021 के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके बाद नीलेश भाई का सवाल है कि एनी प्लान्स इन एंटरिंग एप्पल्स इकोसिस्टम आफ्टर न्यू वीडियो। यार, 1 करोड़ रुपए तो मेरे पास है नहीं, तो सारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकता, और एप्पल का अभी तक मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। 2021 में सोच रहा हूँ कुछ खरीदे एप्पल का, मतलब इकोसिस्टम में पूरी तरीके से नहीं घुसेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा, या फिर कुछ ना कुछ लेने की तो सोच रहा हूँ, प्लान कर रहे हैं 2021 में कुछ करते हैं। बिल्कुल स्टे ट्यून रहना, वीडियो देखते रहना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हालांकि जो भी लेंगे ना, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह सब अपन करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो लेंगे, और कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं, कुछ बड़ा ही करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है हमारे इंडिकोटर भाई को, पूछे कि इम्पैक्ट ऑफ जियो 5G और प्रोटेक्शन। यार, जियो 5G, यार जिस तरीके से जियो ने 4G रिवोल्यूशन ला के यूट्यूब का एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिस तरह से वीडियो क्रिएटर्स आए थे, इंस्टाग्राम को पॉपुलर किया, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को पॉपुलर किया 4G के कारण ना, जियो 5G अगर सही रेट में है ना, तो मेरे को लग रहा है कि जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होगी ना, वो चीज़ हो सकती है लाइव स्ट्रीमिंग। अभी के समय में लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ गेम्स वगैरह तो पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मेन स्ट्रीम नहीं जा पाई है। 5G आने के बाद जो चीज़ मेरे को लगता है मेन स्ट्रीम जाएगी ना, वो होगी लाइव स्ट्रीमिंग। हम टेक की बात कर ले, व्लॉगिंग की बात कर ले, स्टोरीज वगैरह से निकल के लोग सीधे लाइव जाएंगे। ये मेरे हिसाब से एक नई चीज़ हो सकती है, 5G के साथ ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। 4G के साथ लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग जानते हो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और डेटा का यूज़ करके जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लोग देखते हैं ना, वो भी काफ़ी कम होते हैं। लेकिन 5G के आने के बाद ये चीज़ में शिफ्ट आ सकता है। जिस तरीके से 4G आने के बाद जो वीडियो क्रिएटेशन होता है उसके अंदर राइज अप होना, अब लाइव स्ट्रीम के अंदर जो रिवोल्यूशन होता है ना, वो 5G लेके आएगा। तो यार, ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है। इसके साथ टैक्स आई गायक भाई का सवाल है कि व्हाट्स योर व्यू इन बंगाली टेक कम्युनिटी। मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हिंदी में बात करें तो ऑलरेडी जो मार्केट है वो सैचुरेट हो रखा है, लेकिन अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में बनाते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बंगाली लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मतलब गीक्स होते हैं, टेकीज होते हैं, उन्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना भी पसंद करते हैं वो लोग। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, और ऐसे अच्छा ही रहता है यार। इंडिया में अगर रीजनल लेवल पर भी टेक की अगर रीच पहुँचने लगे तो यार, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात होगी। इसके साथ रिशु भाई का सवाल है कि हेलो सर भाई, क्या दुबई या किसी और कंट्री से बाय किया गया कोई आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन इंडिया में 4G 5G नेटवर्क सपोर्ट करेगा? वेल, इसका बेसिक आंसर यह है कि अगर उस आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इंडिया के 4G और 5G बैंड्स का सपोर्ट है तो वो करेगा, अगर वो बैंड्स का सपोर्ट नहीं है तो नहीं करेगा। आईफोन में कहानी अच्छी है, आईफोन मल्टीपल बैंड्स को सपोर्ट करता है, लगभग सारे 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो इंडिया में आके आप आईफोन से अगर आप 4G 5G यूज़ करना चाहते हो कर सकते हैं। एंड्रॉयड में कहानी ऊपर नीचे हो जाती है, एंड्रॉयड फ़ोन से वो लिमिटेड 5G बैंड्स को सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि एंड्रॉयड फ़ोन आपने बाहर खरीदा इंडिया में चले ना चले, कोई गारंटी नहीं है। आईफोन के अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है,
लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये है कि ये चीज बैंड्स पे डिपेंड करती है। इसके बाद सुभाजीत भाई का सवाल है कि व्हाट इज एक्सबॉक्स गेम पास गोल्ड एंड अल्टीमेट, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन देम, व्हिच इज बेटर टू ऑफर, हाउ डज गेम पास वर्क्स विद एक्सबॉक्स। देखो, एक्सबॉक्स लाइव गोल्ड एक सर्विस रहती, यानी कि एक्सबॉक्स के अंदर किसी को अगर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलना है तो वो फ्री में नहीं खेलता, उसे पैसे देने पड़ते 489 रुपीज पर मंथ, लेकिन बदले में उसे 2-3 गेम हर महीने फ्री मिल जाते हैं जिससे वो क्लेम कर सकता है। गेम पास अल्टीमेटिक इसमें तो सबसे पहले तो गेम पास को लिया है, इसके साथ ही वो एक्सबॉक्स लाइव गोल्ड को भी इंक्लूड कर दिया, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। गेम पास का फायदा है कि गेम पास पीसी के लिए भी काम करता है, एक्सबॉक्स के लिए भी, और यहाँ पे आपको गेम्स का कैटलॉग देखने को मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स फॉर गेम्स है। जिस तरीके से नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो में आपको बहुत सारी मूवीज टीवी शोज देखने को मिल जाते हैं, गेम पास में आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे गेम्स इसमें माइक्रोसॉफ्ट खुद बनाती है, काफ़ी सारे थर्ड पार्टी डेवलपर से उनके गेम्स लेकर आती है, और आपको फिक्स मंथली फीस देनी जो कि है 700 रुपये महीने की, और आप बहुत सारे गेम्स और हाई क्वालिटी गेम्स को इन्जॉय कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट जो गेम्स खुद डेवलप करता है, उसके जो फर्स्ट पार्टी स्टूडियोज ऑलमोस्ट 23 हैं, अगर वो कोई गेम अगर आने वाले समय में लेके आते हैं तो वो डे वन पे फ्रीली अवेलेबल होंगे गेम पास अल्टीमेट के अंदर या फिर गेम पास के अंदर। किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर आपको उसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहां पे आप उन गेम्स को फ्री में एंजॉय कर सकते हो। सेम नेटफ्लिक्स वाला कंसेप्ट है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलती है, बस ये कि गेम पास के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाती है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही ज़्यादा गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, अलग अलग वैरायटी के गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, और पर्टिकुलर एक जॉनर से स्टिक नहीं रहना, यानी कि एक गेम खेल रहे हो पसंद आया खेलते रहो, एक गेम खेल पसंद नहीं आया डिलीट करके दूसरा गेम डाउनलोड कर लो। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी कंसेप्ट है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और देखा तो बेस्ट डील इन गेमिंग कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस के अंदर आप बहुत ज़्यादा गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। तो यार ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ पीसी के में भी आती है गेम पास, और एक्सबॉक्स के अंदर भी आता है, तो इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। और इसके साथ सार्थ भाई का सवाल है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ रियलमी X7 प्रो ऑन योर गैस। X7 प्रो का प्राइस मेरे को लग रहा है कि 28-29 हज़ार हो सकता है, क्योंकि X2 प्रो इन सब की जो कीमत थी वो लगभग 30 हज़ार के आसपास थी, तो X7 प्रो मेरे को लग रहा है कि 30,000 के आसपास या 30 के नीचे 27-28 तो काफ़ी अच्छा होगा, और X7 कीमत 25 के नीचे होगी, क्योंकि X3 सुपर जूम को रिप्लेस कर रहे हो, तो उसी के आसपास की जो कीमत है हम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यार क्या है, ज़्यादा टाइम थोड़ा ना बचा है, मिड जनवरी का तक का टाइम बचा है, आप तब तक वेट कर लो, तब तक आपको काफ़ी अच्छे फोन देखने को मिलेंगे। इस फोन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सवाल खत्म हो जाते हैं। वैसे जाते जाते मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 2021 में क्या होना चाहिए, और हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये बात है ना, आप नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।